गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैंने उस दिन आप लोगों को सुमित्रानंद पंत जी का जीवन परिचय पढ़ाया था। आज मैं उन्हीं का चैप्टर चींटी पढ़ाने जा रही हूँ। ध्यान से पढ़ें। चींटी को देखा वह सरल बिरल काली रेखा, तम के तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल, वह है पिपीलिका पांति, देखो ना किस भांति, काम करती वह सतत, कन 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 के चुनती अविरत। अविरत माने होता है बिना रुके हुए, सतत माने होता है निरंतर, कन कन मतलब कड़कड़, पिपीलिका माने चींटी, लघुपत माने छोटे पैर, तम माने अंधकार, बिरल माने पतली। कवि कहता है, सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि क्या तुमने कभी चींटी को देखा है, वह बहुत अधिक सीधी बिखरी हुई पतली और काली रेखा जैसी दिखाई देती है, जो अंधकार के धागे के समान हिलती डुलती हुई अपने छोटे से पैरों के द्वारा हर क्षण मिलजुल कर तथा पंक्ति बनाकर चलती है। देखा वह किस तरह निरंतर कार्य करती है तथा बिना रुके हुए एक एक कण इकट्ठा करती है। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अर से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपद बुहारती। जनपद माने होता है रास्ता या सड़क, बुहारती माने साफ करना, आदि माने शत्रु। गाय खिलाती, गाय चराती, वह गाय भी चराती है, धूप खिलाती है तथा अपने बच्चों की देखभाल भी करती है, आवश्यकता पड़ने पर अपने शत्रु से भी लड़ती है, लड़ने के लिए सेना से समूह तैयार करती है और अपने घर आंगन सड़क को भी साफ करती है। चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। कवि कहता है, चींटी एक सामाजिक प्राणी है, चींटी का अपना एक समाज होता है और वह उसी के साथ हिल मिलकर नियम पूर्वक रहती है। वह कठोर परिश्रमी जीव है और उसमें एक अच्छे नागरिक के गुण भी विद्यमान रहते हैं। देखा चींटी को उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, विचरण करती श्रम में तन्मय, वह जीवन की चिंगी अच्छा है। चिंगी अच्छा माने होता है कभी न नष्ट होने वाली चिंगारी, तन्मय माने तल्लीन, निर्भय बिना डरे हुए। वह भूरे बालों की कतरन के समान लघु शरीर होते हुए भी संपूर्ण पृथ्वी पर निर्भय होकर भ्रमण करती है, उसका छोटापन किसी से भी छिपा नहीं है। वह अपने कार्य को बड़े लग्न के साथ करती है, वह कर्मठता की प्रतिमूर्ति है, वह श्रम की कभी ना बुझने वाली चिंगारी के समान सदा प्रकाशित रहती है, वह निरंतर क्रियाशील रहने वाला एक प्राणी है जो हमें सीख देता है कि हमें कैसे करना चाहिए, अपना जीवन निभाना चाहिए। वह भी क्या देही है तिलसी, प्राणों की सी रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार से कभी ना टलती। उसका शरीर बड़ा नहीं अपितु वह तिल के समान अत्यंत छोटा है, इतनी छोटी होते हुए भी चींटी शक्ति से भरी हुई इधर उधर घूमती रहती है। दिन भर में वह कई मील की लंबी यात्रा पूरी करती है, फिर भी वह कभी थकती नहीं है और निरंतर अपने काम में जुटी रहती है। धूप छांव शीत वर्षा से भी वह अपना कार्य करने से नहीं चूकती है, बड़ी ही कठिन मतलब मेहनत करती है। इसलिए हमें सीख मतलब लेनी चाहिए चींटी से और कभी भी परिश्रम से घबराना नहीं चाहिए। धन्यवाद।